आजादी के अमृत महोत्सव पर आज रबाले के अंबेडकर नगर में छात्रों और नागरिकों को विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने और नगर सेविका रंजना सोनावने के सौजन्य से आयोजित हर घर तिरंगा रैली को हर घर शिक्षण की थीम पर आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र, डॉक्टर्स, जिम प्रैक्टिशनर, शिक्षक, सफाई कर्मी और आम नागरिक शामिल हुए। यहाँ अरवली के प्रथम विधायक संदीप नाईक खास तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने हर घर तिरंगा मुहिम को हर घर शिक्षण के साथ जोड़ने पर पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने की सराहना की। देखिए रिपोर्ट। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। जश्न आजादी के इस अवसर पर नवम्बई रबाले के अंबेडकर नगर में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने ने हर घर तिरंगा अभियान के साथ हर घर शिक्षण का नारा जोड़ते हुए इस रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों छात्र, सफाई कर्मी और नागरिक हाथों में झंडा थामे शामिल हुए। तिरंगा रैली का शुभारंभ छत्रपति साहू महाराज विद्यालय से हुआ और समापन कांशीराम हिंदी विद्यालय में हुआ। इस अवसर पर छात्रों को नोटबुक्स भी वितरित की गई। तिरंगा रैली में अरवली के प्रथम विधायक संदीप नाईक ने शामिल होकर नागरिकों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ध्वजारोहण जो तिरंगा हा प्रत्येक शासकीय ठिकाणी फडकवला जायचा, हा तिरंगा शाळांमध्ये फडकवला जायचा। देशाचे पंतप्रधान माननीय आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांनी हर घर तिरंगा या अभियानाची यावर्षी घोषणा केली आणि जे राष्ट्रप्रेम राष्ट्रहित हे प्रत्येक घरामध्ये प्रत्येकाच्या मनामध्ये बिंबवलं जावं याकरता हा हाती घेतलेलं अभियान हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आपल्या जीवनामध्ये आपल्या जीवनाची वाटचाल करत असताना आपण आपल्या कर्तव्याची पूर्ती केली पाहिजे। आपल्या देशाच्या हिताकरता आपल्याला ज्यांनी स्वतंत्र मिळून दिलं त्या प्रत्येकानं या देशाकरता दिलेलं योगदान आणि तीच भावना भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनामध्ये येणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। आणि ह्या 75 वर्ष स्वातंत्र्याला पूर्ण होत असताना या अमृत महोत्सव वर्षी हे अभियान एका वेगळ्या स्तरावर आपल्या देशाला घेऊन जाणार आहे। आपल्या देशातील प्रत्येक धर्माचा, प्रत्येक जातीचा, प्रत्येक विभागातला, मग तो लहान मुलगा असेल, ती महिला असेल, तो युवक असेल, तो ज्येष्ठ नागरिक असेल, सगळ्यांनी एका राष्ट्रहिताकरता एका झेंड्याच्या खाली एकत्र येण्याचं हे अभियान हे नक्कीच सर्व क्षेत्रामध्ये आपल्या देशाला प्रगती करत असताना प्रत्येकाला विकासामध्ये घेऊन जाणारं हे अभियान ठरेल असा माझा ठाम विश्वास आहे। वहीं हर घर तिरंगा अभियान को हर घर शिक्षण के साथ जोड़ने वाले पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने ने कहा कि स्वाधीनता के 75 गौरवशाली वर्ष का जश्न मनाते हुए हमें शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए, तभी राष्ट्र और समाज समृद्ध और सक्षम बन सकता है। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव को देशभक्ति के जोश और जज्बे के साथ मनाने का आह्वान किया। हमारे आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा इस प्रकार की मुहिम चलाई जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उस आह्वान को प्रतिसाद देते हुए हर गली मोहल्ले के लोगों ने अपने घर पर, अपने दुकान पर तिरंगा लगाया है। लेकिन हमने उसमें जैसे दूध में शक्कर मिलाने जैसी बात है, हमने यहाँ आज अपने वो जो कहते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगा घर घर शिक्षा, इसलिए हमने यहाँ पर नोटबुक्स बांटे हैं और हमारा टैगलाइन है, हाँ यह संभव है, परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि की ओर। और समृद्ध हम तब बन सकते हैं
पैसे से आदमी अमीर बन सकता है, बड़ा नहीं बन सकता है। इसलिए शिक्षा से आदमी बड़ा बनता है, राष्ट्र बड़ा बनता है, राष्ट्र सक्षम बनता है। और ये मुहिम हमने यहाँ पर चलाई है। आपने देखा होगा जिम के लोग होंगे, डॉक्टर होंगे, हमारे यहाँ के उद्योजक होंगे, व्यापारी होंगे, शिक्षक और सभी विभाग के NGOs हमारे यहाँ इसमें शामिल हुए थे। 6000 से अधिक लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं उन सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इन सबको और आपके चैनल के माध्यम से तमाम नवंबरकरों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।